तो कुछ वीडियोस में लोगों को, मतलब कि मेरे व्यूवर्स को मुझसे काफ़ी ज़्यादा गिले और शिकवे हैं, तो आज वही गिले शिकवे में दूर करने आया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में ये आ रहा था, भाई ये आप बकवास वीडियो बना रहे हो, इसने ये नहीं बताया, उसने वो नहीं बताया, इसका कैमरा सेट नहीं है, इसका वो नहीं है। तो भाई सीरियसली एक बात बताऊँ आपको मैं, कि देखो अब क्या होता है, अब बंदा जो भी नया काम करता है ना, स्टार्ट करता है, ठीक है, उसको ऐसा ऐसा जब करता है तो फिर उससे माइंड में चीज़ें आती है, भाई हाँ ये भी ठीक है, इसको ऐसे करना है। अब कुछ नेगेटिव फीडबैक दे, कि उन्होंने मुझे समझाया तो था, ठीक है, समझाया तो था कि यार ये चीज़ ऐसे, तो मैं उनकी कॉमेंट्स वगैरह आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता। तो ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक दे के उन्होंने बोला कि यार नहीं देखो इसकी वीडियो, बकवास है इसकी, फलानी है ये हुआ है। यार ठीक है, एक मेहनत को देखो यार, बंदा वीडियो बना रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो ऐसा ऐसा ही अपनी प्रोडक्शन जो होती है उसकी, उसको वो करता है, मतलब कि ऊपर वाले लेवल तक लेके जाता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरे पास जस्ट एक फट्टा था यार, ठीक है, तो पीछे दीवार थी और दीवार प्लाई सी लगी हुई थी। तो जब मैं अपनी ये जो मेरी ये साइड लाइट लगी है, रिंग लाइट, जब लगती थी मेरे फेस पे, या तो मेरा चेहरा बहुत ब्राइट आ रहा होता था, फिर उसके बाद पीछे जो मेरी प्लाई थी वो शाइन कर रही होती थी। तो मतलब कि दिल ही नहीं करता था देखने, लेकिन बनाई मैंने, बनाई इसलिए बनाई कि ऐसा ऐसा मैं क्रिएटिव होता गया, तो पीछे जिस तरह से मेरा बैकग्राउंड आ रहा है इसको मैंने चेंज किया ऐसा ऐसा, साथ में कुछ इंक्लूड की, फिर मैंने मेज़ लाया, उसके बाद फिर मेरी चेयर आई साथ में, फिर मैंने अब न्यू जो चीज़ मैंने इसमें ऐड किया वो ये मेरा कैमरा है, मोबाइल, प्रीवियस मोबाइल है मेरा इन्फिनिक्स नोट S4 है, और वो जो नोट 11 मैंने लिया है, ठीक है। अब जो न्यू वीडियोस आएंगी उसमें जो सेकंड कैमरा मेरा होगा वो मोबाइल ही यूज़ होगा, तो आगे भी मोबाइल ही लगा। उसके अलावा फिर एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग में जाके आपको टेम्पलेट्स लगानी पड़ती है, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें जो होती है आपको करनी पड़ती है। तो मैं कुछ आपको चीज़ें अपनी बता देता हूँ साथ में यहाँ पे रिकॉर्ड करके भी। तो अभी यहाँ से मेरी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो सामने रहा ये मेरा मोबाइल कैमरा, ठीक है, उस साइड वो नहीं आ रहा, और ये मेरी एक रिंग लाइट यार, भाई पीछे तोलिया भी आ रहा है यार, तो चलेगा। ये मेरा भाई है जिसका सेटअप ये है बेचारे का, तो एक लाइट मेरी यहाँ पर आ रही है, तो मेरा लैपटॉप है, यहाँ पर ही मेरा बेड है, और ये कुछ चीज़ें प्रोडक्ट्स मेरी पड़ी हैं, और ये मेरा बैकग्राउंड है, तो ये मेज़ है साथ में, ये मैंने चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं, देख ले आप। ये एक लाइट, अभी लाइटिंग में मैंने खैर अभी लाइटिंग में मैंने खैर और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब और इम्प्रूव करनी है, लेकिन यार जिसको मेरी वीडियो में कुछ चीज़ें अच्छी ना लगी तो यार माजत खाऊँ, क्योंकि यार ऐसा ऐसे ही बंदा क्रिएटिव बनता है। जैसे जैसे आपने बताया कि ये चीज़ ऐसे करो, वो चीज़ ठीक है भाई, मैं ऐसे ऐसे इसको लेके चलूँगा, लेकिन यार पॉजिटिव वे से बताओ, नेगेटिव वे से ना बताओ कि ये बकवास कर रहा है। और कुछ ऐसे अल्फाज भी थे जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाह रहा, लेकिन ये कि भाई आपकी काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी वीडियो में मैंने देखा कि लोग ये चीज़ नोटिस ले रहे हैं, कि स्पेशली मेरी विंटेज D9 जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, भाई दिखा नहीं रहे हो करीब से, भाई कैसे दिखाऊँ मैं। तो ये लो भाई अब कैमरा आ चुका है यहाँ पे, आपका थर्ड कैमरा जो थर्ड पार्टी कैमरा वो भी यहाँ पे रहेगा, और क्लियर प्रीव्यू जो होगा आपका वीडियो में आता रहेगा। तो ओवरऑल भाई एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और आसान भी हो रही है, तो वीडियो को यहाँ पे डाउन करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो अभी भी मेरा सेटअप बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा तो मैं पूरा जो मेरा एक रूम है ऊपर, तो पूरा जो रूम है इसको मैं रेनोवेट करूँगा, अपनी मर्ज़ी से बनाऊँगा, सिस्टम मेरे यहाँ पे लगे होंगे लाइक बिल्कुल स्टूडियो सेटअप बनाऊँगा। लेकिन अभी भाई आपको पता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हैं, तो जो चीज़ें हैं उसी में एडजस्ट करूँ और ऐसा ऐसा चीज़ों को इम्प्रूव करूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मेरी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, DSLR ले आऊँगा, एक अच्छा प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास, कैमरा भी, तो फिर और वीडियो क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी। अभी जो मेरी लाइटनिंग है बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मेरी लाइटनिंग ही बहुत अच्छी नहीं है, जब मैं रॉ वीडियो पे बना रहा हूँ अभी शूट हो रही है मेरी, इसके बाद जब मैं प्रीमियम में जाता हूँ ना अपने एडिटर में, तो एडिटर में जाके मुझे इसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी कलर इस तरह के कोई यार वो मुझे इफेक्ट है याद नहीं आ रहा, वो मुझे इफेक्ट डालना पड़ता है, उसकी कॉन्ट्रास्ट, उसकी लाइटनिंग, सब कुछ मुझे हैंडल वहाँ से करना, फिर जाके मेरी वीडियो जो है वो एक अलग फॉर्मेट में मुझे दिखती है। तो हल्की हल्की जो सुइयाँ सी, मतलब कि मैं तो सुइयाँ उसको कहता हूँ, अब आ रही होती हैं, लेकिन उसको भी मैं काफ़ी हद तक कवर कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत जूम करके देखें उसे तो वो कुछ ना कुछ आपको फिर भी उसमें नजर आएंगी, ओवरऑल कवर नहीं होता। क्यों नहीं कवर होता? क्योंकि यार मोबाइल है और मैं इनडोर हूँ,
और लाइटिंग मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन यार मेहनत करता हूँ, और मेहनत कैसे, क्योंकि यार वेला तो मैं हूँ नहीं, शॉप भी करनी होती है मुझे, उसके अलावा स्टडी मेरी चल रही है उसको भी मैनेज करना होता है, और साथ में मुझे वीडियोस भी बनानी होती है, वीडियो शूट करनी होती है, फिर उसको एडिट करना होता है, फिर वॉइस जो आप सुन रहे हैं इसको मुझे दोबारा से रॉ ऑडिशन में जाके वो करना होता है। मतलब ये समझे, आज मैंने इसको प्रोडक्शन की, कल इसको मैं एडिट करूँगा, एडिट पूरा दिन लग जाता है मेरा, क्योंकि अभी खैर मैंने लैपटॉप अपना चेंज किया है तो उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले वाले की जो थी, अगर मैं 8 मिनट की वीडियो बनाऊँ उसमें कलर्स वगैरह, कलर ग्रेडिंग वगैरह कर लूँ, तो वो 8 से 9 घंटे रेंडरिंग पे लगा लेता। तो अब ये चलो, इसका प्रोसेसर थोड़ा फास्ट है, i5 8th generation अब लिया है मैंने, काफ़ी मुश्किल से लिया है, अभी भी इसके पैसे रहते हैं, लेकिन ये कि अब वीडियो थोड़ी फास्ट मिलेगी और क्वालिटी थोड़ी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं वीडियोज़ की। तो भाई सारे पैसे इसी के हैं कि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी भी होगी, लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी थी, क्योंकि मैं 100+ वीडियो पे वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि अभी चैनल की अगर मैं ग्रोथ देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी चैनल की ग्रोथ हो रही है, और जब मिलियन क्रॉस करूँगा तब दोबारा ये वीडियो आके देखूँगा कि भाई हाँ ये भी मेरा सेटअप होता था, और ये कुछ सीन भी थे, कुछ वीडियोज़ बीच में रेगुलर नहीं आ रही थी, क्योंकि यार बहुत सारे इशू होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होते हैं। पहले मैं बीमार हो गया था और ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो उसको फिर मैनेज किया मैंने, मैनेज करने के बाद आसान भी हो रही है यार, तो फिर मेरे पास प्रोडक्ट ख़त्म हो गई, पैसों की भी कुछ कमी होती है, क्योंकि पैसे होते हैं तभी आप प्रोडक्ट मंगवाओगे, क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो प्रोडक्ट होगी तो आप वीडियो बनाओगे, इसका भी इश्यू होता है। तो जैसे जैसे मुझे प्रोडक्ट्स मिलती है मैं वैसे वैसे वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि आप पीछे अगर मेरी सारी वीडियोज़ देखें ना, कुछ ना करते करते 20,000+ में प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंगवा चुका हूँ इस टाइम का। तो आसान हो रही है, तो अब मैं बस बात को ख़त्म करता हूँ, बातें तो बहुत लंबी हो जाती हैं मेरी, क्योंकि बस बोलता ही रहता हूँ। तो सब कुछ मैनेज करके इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, मेहनत कर रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इसका फल भी मिल रहा है, उससे लाभ मिलेगा इंशाल्लाह 1 मिलियन के बाद, वहाँ पे दोबारा किसको मैं वीडियो को देखूँगा। तो खुश रहिए, बात रहिए मुझे, दो में याद रखिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है, गुड बाय।